हाय, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेड की मिठाई बनाएंगे, बची हुई चाशनी यूज करेंगे मिठाई में। एक बाउल में आधा कटोरी गुनगुना दूध डालेंगे। कोई भी बर्तन से आप आधा गिलास या आधी कटोरी ले लें। एक आधी गिलास दूध डालेंगे, एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को घोल लेंगे दूध में अच्छे से। मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर दूध में। एक पैन गरम करेंगे, पैन में एक गिलास दूध डालेंगे। टोटल 1.5 गिलास दूध इसमें यूज किए हैं मिठाई में। मिल्क पाउडर वाला दूध डालेंगे, ऐसे चलाते हुए हम पका लेंगे। गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे, ऐसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। दूध में उबाल आ गया है, दूध सूख गया है, गाढ़ा हो गया है। 1 मिनट और इसे पकाएंगे। दूध गाढ़ा हो गया है, खोया की तरह बन गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। पैन गरम है, इसे चलाते रहेंगे। इसी में इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। रबड़ी को आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, और मीठा करने के लिए। हम इसमें शक्कर नहीं डाले हैं, मिल्क पाउडर से मीठा हो जाता है ये। 4 ब्रेड लेंगे, ब्रेड के चारों किनारे निकाल लेंगे। 4 पीस में कट करेंगे ब्रेड को। एक पैन गरम करेंगे, पैन गरम हो गया है, इसमें घी डालेंगे। घी गरम कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसे सिल्लो फ्राई करेंगे। घी को पैन के चारों तरफ फैला लेंगे। ब्रेड के टुकड़े डालेंगे इसमें। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे पलट लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेंगे। मिठाई से बची हुई चाशनी है, इसमें डिप करेंगे ब्रेड के टुकड़े को। ये दोनों साइड से पलट कर इसे हम डिप कर लेंगे। चाशनी अंदर तक अच्छे से चला गया है, निकाल लेंगे प्लेट में। एक पीस ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, मीठा वाला, चाशनी में डिप किया हुआ। इस पे खोया रखेंगे, फैला लेंगे चारों तरफ से। इसके ऊपर से एक ब्रेड का टुकड़ा और रखेंगे। इसी तरह से सारे मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। मीठा वाला एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर खोया रखेंगे, फैला लेंगे चारों तरफ। ऊपर से एक ब्रेड का टुकड़ा रखेंगे। सारे मिठाई बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर से काजू काट कर डालेंगे, बारीक बारीक काट लिए हैं। सारे मिठाई के ऊपर रखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।